बढ़िया फोटो खींच लीजिए पेपर में लिख लीजिए। नंदा भाई एक मिनट आजिए, चलिए उधर तो आइए, चले इधर लोग सहयोग किए सबका हो जा भाई। हां पड़े जी आइए, इधर उनको बोले हमारा बलराम भाई सब लोग ही रहिए, चलिए रोशन बढ़िया फोटो लीजिए, बढ़िया फोटो लीजिए हमरो फोटो हो बचवा। ठीक है ठीक है, और अच्छे पीछे ना बा काम के बोला एक फोटो लेता हूं, पेंशन की बात कर रहा हूं, एक छोटा फोटो प्रकाश पांडे जी। आप लोग आज धरना स्थल पर मौजूद हैं, क्या है मामला? अटेवा जिला संयोजक के रूप में बता रहा हूँ, आज यहाँ हमारे जो है प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर एक जो है पद यात्रा रखी गई थी जो कि विकास भवन से लेकर के जिलाधिकारी कार्यालय तक गई। वह पद यात्रा मुख्य रूप से पुरानी पेंशन एवं निजीकरण के विरोध में थी। पुरानी पेंशन हम लोगों की बंद कर दी गई है 2004 से, जिससे कि सारे कर्मचारी दुखित महसूस कर रहे हैं और सरकार से प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग शंखनाद के माध्यम से इस पदयात्रा के माध्यम से सूचित करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए, सभी कर्मचारियों की सभी शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाल की। तो इसके बारे में आपने किसी अधिकारियों से कहा? कोई अधिकारी आए थे यहाँ जो है? क्या हमारे जो है जिलाधिकारी कार्यालय से प्रशासनिक अधिकारी आए हुए थे, जलायु से आए हुए थे, ये लोग जो है थे। बताऊंगा आनंद नारायण जी, आप लोग आज धरना स्थल पर इकट्ठा हुए हैं, क्या है? पुरानी पेंशन को लेकर के हम लोग एक सरकार को क्या है मांगे आपकी? हम लोग मांगे पुरानी पेंशन बहाल के लिए, जो पुरानी पेंशन है एनपीएस को खत्म किया जाए। पर्चे बताए अपना। मैं अभिषेक रंजन, अटेवा का जिला उपाध्यक्ष हूँ जी, और इसके साथ ही बेसिक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन का प्रदेश का संगठन मंत्री। आप लोग धरना स्थल पर इकट्ठा हुए हैं, क्या है मामला? आज हम लोगों की अटेवा और एनओपीएस के बैनर के तले आज हम लोगों की पूरे प्रदेश भर में एक पदयात्रा थी। इस पदयात्रा के माध्यम से ये हम लोगों की जो पदयात्रा थी वो गांधी जी द्वारा जो दांडी मार्च किया गया था आज़ादी के आंदोलन में, उससे प्रेरणा लेकर ये हम लोग आज पदयात्रा किए हैं। हम आज गांधीवादी तरीके से सरकार से अपनी बात अपने कहे हैं कि हम गांधीवादी तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आपकी मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांगे हैं पुरानी पेंशन बहाल किया जाए, और साथ ही इसके साथ जितनी भी सार्वजनिक संस्थाओं को बेचा जा रहा है या संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है, निजीकरण बंद हो। और इसके लिए अगली कड़ी में 21 नवंबर को हम लोग लखनऊ में एक बहुत ही बड़ी रैली करने जा रहे हैं, जिसमें इस प्रदेश के कई दर्जन संगठनों के द्वारा एक लाखों कर्मचारियों की, लाखों शिक्षक कर्मचारी इस रैली में शामिल होंगे, और हम लोग स्पष्ट क्लियर करेंगे कि हम बिना ओपीएस बहाल कराए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जय पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, 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 बहाल करो, बहाल करो।
साबित हो जाए कि हाथ लेके आ रहा।